हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्ट फॉर एवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और यहाँ पर दो वीडियो कल की डेट में आई थी, कार्ट्रेड और यहाँ पर एंटनी वेस्ट हैंडलिंग से रिलेटेड। तो इन वीडियो में किससे रिलेटेड एक वीडियो और मैं आज के दिन में बनाता हुआ दिखाई दूंगा, दोनों को एक साथ कवर अप करेंगे। बट आज के दिन का जो हॉट टॉपिक है, मार्केट में क्रैश। तो क्रैश तो होता हुआ दिखाई दिया, वो होना भी था, लाजमी था। इस वजह से मैं फ्राइडे से ही अपने प्रॉफिट बुकिंग धीरे धीरे कर रहा था। और आज की डेट में देखें तो कुछ स्टॉक्स में कुछ ज्यादा ही गिरावट होती हुई दिखाई दी। तो अगर हम यहाँ पर देखें जुबिलेंट इंग्रीविया, तो यहाँ पर आप देखेंगे लगभग 13% की यहाँ पर गिरावट आई है। और यहाँ पर आज इसके रिजल्ट आते हुए दिखाई दिए, और रिजल्ट का एक इम्पैक्ट था एज वेल एज ये स्टॉक्स में भी, जैसे कि दूसरे स्टॉक्स गिरे तो ये स्टॉक्स भी ज्यादा। तो रिजल्ट से ज्यादा गिरावट की वजह यहाँ पर स्टॉक क्रैशिंग से है। तो यहाँ पर बाइंग करनी है, सेलिंग करनी है या नहीं करनी, उससे रिलेटेड बातें करेंगे। बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े, रिक्वेस्ट करूंगा आप हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉर एवर को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरह की वीडियो आपको डेली बेसिस में मिलती रहे। बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन लेनी, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करनी है, वीडियोस को जाके देखना है, प्लेलिस्ट को गो थ्रू करना है। बाकी अगर हमारी जैसे मार्केट में अब क्रैश आ गया है, कौन से बेहतरीन स्टॉक्स आपको इस लेवल पर उठाने हैं, हम वीडियोस में तो बताएंगे ही बताएंगे, बट पूरे स्टॉक्स में मोस्टली हम कवर अप नहीं कर पाते जस्ट बिकॉज ऑफ टाइम लैकिंग। तो ऐसे स्टॉक्स से रिलेटेड और जानकारी चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप पे पिंग कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नॉमिनल फीस पे बेहतरीन स्टॉक्स आपके लिए चूज करके दिए जाएंगे। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जुबिलेंट इंग्रीविया, इसके आज के डेट में आ गए रिजल्ट। इनलैक्स में यहाँ पर रिजल्ट है, ये स्टैंड अलॉन रिजल्ट है। तो अगर हम देखते हैं, देखिए यहाँ पर जो लोग न्यूज देखते हैं, ओके, न्यूज के बेस पर बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। ओके, उन्हें नहीं पता होता कि हमें किस तरीके से क्या काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। न्यूज में आया, न्यूज में तुरंत आया और नीचे बस उन्होंने देखा कि ये गिरावट है, ये गिरावट है, ओके, इसमें ये कमी आ गई है, इसमें ये ज्यादा हो गया है, बस वही चीजें बताते हैं। उन्होंने भी खुद रिजल्ट नहीं देखे होते, बस न्यूज फ्लैश होती रहती है, न्यूज को वो पढ़ते रहते हैं। और लोग यहाँ पर क्या करते रहते हैं, यहाँ पर लोग प्रॉफिट बुकिंग करने में लग जाते हैं बेवकूफों की तरह, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आता। तो ऐसे में आपको फंसना नहीं है, ओके, यहाँ पर ऐसे 10% 12% गिरते रहेंगे, बट ये स्टॉक वो स्टॉक्स है जो हमने भी आपको नीचे की लेवल से बताते हुए दिखाई दिया है, और बेहतरीन पैसा हमारा यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दिया है। तो अब बात करते हैं यहाँ पर इसके रिजल्ट की, क्या इसके रिजल्ट खराब आए हैं, वो आप खुद डिसाइड करना है। इनलैक्स में यहाँ पर रिजल्ट है, ओके, ये इस क्वार्टर के रिजल्ट है, ये लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट है। तो अगर हम ये Q1 के Q2 के, तो अगर हम बात करते हैं रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यहाँ देख सकते हैं, ये 1,23,137 ओके लैक्स इन रुपीज, इससे पहले 1,09,000। तो यहाँ पर देखिए ये इसमें जंप है, ओके, यहाँ पर एज वेल एज टोटल इनकम की अगर हम बात करते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं, 1,24,383, इससे पहले 1,11,135 लैक्स इन रुपीज। यहाँ पर देखिए यहाँ रिवेन्यू इनकम बढ़ती हुई नजर आ रही है, याद रखिए चीजें यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है, इनकम यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पर कंपनी के जो यहाँ पर रिवेन्यू जो बढ़ रहे हैं ना, तो इस चीज का मतलब है कंपनी इज डूइंग अ वेरी गुड बिजनेस। और बात रही एक्सपेंस की, तो एक्सपेंस में अगर आप देखेंगे कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो वेरिएबल होते हैं, कुछ एक्सपेंस ऐसे होते हैं जिनको हमें पे करना ही होता है, चाहे यहाँ पर कुछ भी सिचुएशन हो, लॉकडाउन की सिचुएशन हो या कुछ भी हो। तो एक्सपेंस यहाँ पर घटते बढ़ते रहते, कभी ज्यादा हो जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं। तो हम अगर ओवरऑल यहाँ पर एक्सपेंस देखें, तो यहाँ पर देखिए 1,06,368, इससे पहले 90,000। तो यहाँ पर एक्सपेंस बढ़ते हुए नजर आ रहे, तो एक्सपेंस यहाँ पर कभी बढ़ जाते हैं, कभी घट जाते हैं। तो ये चीजें आपको समझनी होगी, ये चीजें आपको देखनी होगी, ओके, उसी के बेस में यहाँ पर हमें काम करना चाहिए। जो टोटल एक्सपेंस इस बार बढ़ गए, जिस वजह से अगर हम बात करें प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर हम देखें तो वो थोड़ा सा कम होता हुआ नजर आया। बट अगर हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड की, तो नेट प्रॉफिट आप यहाँ पर देख सकते हैं 12,256 लैक्स इन रुपीज, इससे पहले 13,817। तो यहाँ पर गिरावट नजर आई है, ओके, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ वॉट, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सपेंस, कि एक्सपेंस इस बार ज्यादा होते हुए दिखाई दिए, इस वजह से नेट प्रॉफिट यहाँ पर घटता हुआ दिखाई दिया। बट ओवरऑल यहाँ पर देखें इनकम, तो कंपनी के जो रेवेन्यू है वो यहाँ पर अच्छे तरीके से बढ़ते हुए नजर आए हैं, एक्सपेंस भी बढ़ता हुआ नजर आया है, ये रीजन है और कोई रीजन नहीं है। इसकी वजह से यहाँ पर EPS पे भी इफेक्ट पड़ता है, वो आपको पता ही है। बाकी यहाँ पर सेगमेंट वाइज भी आप यहाँ पर थोड़ा सा नीचे जाएंगे ना,
तो यहाँ पर आपको चीजें समझ में आएगी कि किस तरीके से यहाँ पर कंपनी ने परफॉर्मेंस किया। कंपनी का परफॉर्मेंस एकदम बेहतरीन है। यहाँ पर देखिए ये स्पेशलिटी केमिकल्स का जो ये है रेवेन्यू वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पर न्यूट्रिशन से हेल्थ से रिलेटेड वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लाइफ साइंस केमिकल्स वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ओवरऑल की अगर हम बात करें कंपनी का परफॉर्मेंस बेहतरीन है, कम नहीं है, कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा खासा चलता हुआ नजर आ रहा है। तो इसी वजह से बस जस्ट बिकॉज ऑफ यहाँ पर एक्सपेंस ज्यादा हुए ये कंपनी का थोड़ा सा रिजल्ट डामाडोल होता हुआ नजर आया है, प्रॉफिट यहाँ पर थोड़ा सा कम होता हुआ दिखाई दिया है। और उसकी वजह से इतनी लंबी गिरावट होना कोई लाजमी बात नहीं है। ये जो गिरावट हुई है एक तो इस रीजन से थोड़ा सा नेगेटिव थोड़ा सा कम रिजल्ट आए हैं, एज वेल एज बात करें यहाँ पर जो कंपनी यहाँ पर आज के दिन में जो मार्केट है वो भी गिरती हुई नजर आई है। तो यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी बनती है उससे रिलेटेड बातें करेंगे। यहाँ पर देखिए कंपनी क्या करती है पहले वो देख लेते हैं। तो कंपनी जो ये काम करती है यहाँ पर अलग अलग सेगमेंट में काम करती है, स्पेशलिटी केमिकल, फार्मास्यूटिकल्स, कंज्यूमर एंड इंडस्ट्रियल्स, हेल्थ से रिलेटेड यहाँ पर प्रोडक्ट बनाती हुई नजर आती है। और कंपनी अभी डीमर्ज हुई थी और डीमर्ज के बाद कंपनी ने बेहतरीन यहाँ पर रिटर्न दिए है। इसके अलावा देखिए मार्केट कैप लार्ज कैप मिड कैप कंपनी है 12,904 करोड़ रुपए का। पी यहाँ पर बेहतरीन यहाँ पर टॉप पर ये शेयर चल रहा था, इस वजह से यहाँ पर थोड़ी बहुत गिरावट हुई है, यही एक रीजन है। इसके अलावा डेट टू इक्विटी की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग 29% का डेट है, कोई भी शेयर यहाँ पर प्लेस नहीं है। और भी यहाँ पर चीजें देखिए तो यहाँ पर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आप देख सकते हैं, जब से शेयर आया है अब अच्छे तरीके से यहाँ पर ऊपर की तरफ ही भागता हुआ दिखाई दे रहा है, नीचे की तरफ नहीं है। और लास्ट टाइम भी जब इसके रिजल्ट आए थे तो यहाँ पर रिजल्ट देखिए इसके लास्ट टाइम के बेहतरीन रिजल्ट आए थे, जो हाईएस्ट एवर प्रॉफिट जनरेट कर रहे थे। तो यहाँ पर प्रॉफिट में थोड़ी सी यहाँ पर कमी आई है, यहाँ पर ये जो रिजल्ट है यहाँ पर कंसोलिडेट है, एक बार स्टैंड अलोन हम कर लेते हैं तो स्टैंड अलोन 138। और अभी की बात करें तो थोड़ा सा अगर हम ऊपर ले जाते हैं तो यहाँ पर कितने करोड़ के यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है वो आपको पता चल जाएगी। तो यहाँ पर देखिए 120 करोड़ का, तो कंपनी का प्रॉफिट अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है, कम प्रॉफिट नहीं हुआ है, इसी पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। थोड़ी सी गिरावट है, बाकी ओवरऑल कंपनी का जो परफॉर्मेंस है अच्छा खासा है। और यहाँ पर बात करते हैं ये चीज अपडेट हो जाएगी कल की डेट में, तो एक बार और देख लीजिएगा, रिजर्व्स वगैरह आपको पता चल जाएगी, कंपनी का डेट वगैरह सब चीज पता चल जाएगी और एक हमें आइडिया आता हुआ दिखाई देगा। प्रमोटर्स की होल्डिंग अच्छी खासी है, यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग बढ़ी थी जून में, अभी ये शेयर होल्डिंग पैटर्न अभी आया नहीं है। एफआईआई की बात करें उनकी हिस्सेदारी थोड़ी कम हुई थी, डीआईएस की हिस्सेदारी बढ़ी थी, पब्लिक की हिस्सेदारी की बात करें वो यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आई थी। ओके यहाँ पर 28% और राकेश झुनझुनवाला की होल्डिंग है अच्छी खासी। तो ओवरऑल कंपनी का कहने का मतलब क्या है कि कंपनी का परफॉर्मेंस बेहतरीन है, यहाँ पर एक अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है, इसके बाद यहाँ पर गिरावट होना बहुत कम बात, मुझे नहीं लगता ज्यादा गिरावट होगी। 38% की डिलीवरीज यहाँ पर उठाई गई है, तो यहाँ पर से आपको अगर गिरावट होती है तो यहाँ पर बाय ऑन डिप्स करना है, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, एटलीस्ट यहाँ पर 3 मंथ्स का यहाँ पर और टाइम देना पड़ेगा, तब जाके चीजें यहाँ पर थोड़ी सी सही होती हुई नजर आएगी। यहाँ पर 3 महीने के लिए समझिए कि ये स्टॉक्स एक रेंज में यहाँ पर घूमता हुआ नजर आएगा और इसी रेंज में घूमता हुआ नजर आएगा। और ये अगर सपोर्ट की बात करें तो इसने यहाँ पर जो आज की डेट में क्लोज हुआ है वो एक इसका बेहतरीन सपोर्ट है। ओके इसके बाद दूसरे सपोर्ट की बात करें, अगर यहाँ पर शेयर गिरा तो यहाँ पर एक सपोर्ट बनता हुआ नजर आएगा 664 रुपए पर। बट स्टिल बात करें कंपनी का परफॉर्मेंस बेहतरीन है, मैं इसे सेल आउट नहीं कर रहा हूँ, बल्कि ये थोड़ा सा और नीचे गिरेगा तो यहाँ पर बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनाएंगे और वेट करेंगे नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट का, हमें अच्छे खासे रिटर्न फिर दोबारा मिलते हुए नजर आएंगे। मार्केट में गिरावट है तो उस वजह से थोड़ा बहुत यहाँ पर ये शेयर थोड़ा बहुत गिर सकता है, बट ओवरऑल अगर बात करें इसके रिजल्ट की, मुझे इसके नंबर में कोई कमी नहीं दिखाई थी, इसके नंबर एब्सोल्युटली परफेक्ट थे। ओके एक्सपेंस कभी ज्यादा हो जाते कभी कम हो जाते, नेक्स्ट टाइम शायद एक्सपेंस थोड़ा कम हो, यहाँ पर कुछ चीजें कल की डेट में अपडेट होंगी तो उस चीज को एक बार देख लीजिएगा। तो बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन अपने आपको कोई है नहीं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करनी है। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करना है। बाकी आज की डेट में बहुत सारे शेयर गिरे हैं, अच्छे स्टॉक्स को यहाँ पर पिक करने की कोशिश करिएगा बाहर बाय ऑन डिप्स कर करके, और यहाँ पर वेट करिएगा थोड़ा सा तो अच्छा दोबारा से कैंडल रिवर्स होगी, दोबारा से शेयर भागेंगे और अच्छा खासा गेन देते हुए नजर आएंगे। सो थैंक यू सो मच, यहीं पर क्लोज करते हैं। और यहाँ पर हमें हमें हमसे और बेहतरीन स्टॉक जानने के लिए यहाँ पर पिंग करिए व्हाट्सएप पे, तो आपको यहाँ पर हमारी सर्विस दे दी जाएगी। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।